Select the right option. Right option, which relates to Sean regarding the following statement. तो हमें यहाँ पर तीन statements दी गई है and Sean के respect में पूछा गया है कि correct statement कौन सी थी. जैसा कि हम जानते हैं कि जो Sean है, Good और Sean, उन्होंने 1839 में यहाँ पर बेल थ्योरी के लिए हाइपोथेसिस तैयार की थी. और जो हाइपोथेसिस तैयार की थी वो उन्होंने ऐसे तैयार की थी कि एनिमल सेल्स को भी स्टडी किया था एज वेल एज उन्होंने प्लांट सेल्स को भी स्टडी किया था. एनिमल सेल्स को स्टडी किया तो उन्होंने बोला कि वो सब कवर्ड हैं एक थिन आउटर बाउंड्री से. और ये जो थिन आउटर बाउंड्री है इसे आज हम किस नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से. इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे प्लांट टिश्यूज एंड सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने बोला कि जो सेल वॉल है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है सारे के सारे प्लांट सेल का. इट इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल प्लांट सेल्स. थे जूलॉजिस्ट पर फिर भी उन्होंने एनिमल के साथ साथ प्लांट सेल को भी स्टडी किया एंड इस कंक्लूजन से उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स वो सारे सेल के बने हैं एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स. तो स्टेटमेंट देखते हैं. ऑप्शन वन, ही रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर व्हिच इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बिल्कुल सही, थिन आउटर बाउंड्री जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं, टुडे वी नो इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. उन्होंने उस टाइम पर बस ये कहा था कि एक थिन आउटर बाउंड्री है जो मिल रही है सारे ऑर्गेनिज्म. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही. ऑप्शन टू, द सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. अगेन उन्होंने प्लांट टिश्यूज और सेल को स्टडी किया था और सेल वॉल के लिए क्या कहा था कि इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर. तो सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, स्टेटमेंट टू बिल्कुल सही है. स्टेटमेंट थ्री, बॉडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. फाइनली उन्होंने इन सारे कॉन्क्लूज को मिला के एक स्टेटमेंट दिया कि जो बॉडी है प्लांट और एनिमल सेल की इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी स्पेसिफिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, दीज आर कंपोज्ड ऑफ सेल. बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ये तीनों स्टेटमेंट शॉन ने दी थी तो सारी स्टेटमेंट सही है. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए.